पटेल इंटर कॉलेज अमालकपुर अलखापुर परियामान अम्बेडकर। आप लोगों को आज कक्षा 11 का फिजिक्स भौतिक विज्ञान का तीसरा पार्ट पढ़ा चल रहा हूँ, जिसमें अध्याय का नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत का तीसरा पार्ट है, जिसमें हमने पिछले कक्षाओं में डिस्कस किया था या पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था आपको मात्रक। मात्रक होता कहते हैं वह मानक जिसका उपयोग किसी हम भौतिक राशि के तुलना करने के लिए किया जाता है। वह मानक जिसका हम उपयोग किसी भौतिक राशि में तुलना के लिए करते हैं मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ये मात्रक है। और मापन करने के लिए, मापन के लिए दो चीजों का होना आपको बताया गया था आवश्यक है। एक होता है आंकिक मान, दूसरा होता है मात्रक। आंकिक मान होता है किसी राशि का परिमाणात्मक मान, किसी राशि का परिमाणात्मक मान जो होता है उसी को हम आंकिक मान कहते हैं। जैसे 10, 11, 15, 1, 2, 3, 4 कुछ भी कह सकते हैं, संख्यात्मक रूप में, संख्या के रूप में, वही इसका आंकिक मान है। अब आप कह सकते हैं कि मापन बराबर आंकिक मान गुणे मात्रक, आंकिक मान गुणे मात्रक। अब इसी में आपको बताया गया था मूल राशि। मूल राशि कहते किसे हैं? बताया गया था आपको मूल राशि, मूल या कह सकते हैं मूल राशियां, क्योंकि ढेर सारी हैं तो ये मूल राशियां। मूल राशियां आपको बताई गई थी। क्या बताया गया था? वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र हो, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र हो, या कह सकते हैं जो किसी दूसरी राशि की सहायता से उत्पन्न न की जा सके, या कह सकते हैं कि वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर ना हो, मूल राशियां कहलाती हैं। अब मूल राशियों में आपको बताया गया था इसमें छह हैं, ठीक है, सात हैं, सात जो मुख्य रूप से बताया गया था मूल राशियों में। जैसे पहला बताया गया था आपको मूल राशि, जैसे हो गया लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता आपको बताया गया था। इसे में पदार्थ की मात्रा आपका क्या हो गया? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, जो तीव्रता हो गया, और पदार्थ की मात्रा हो गया। ये आपके मूल राशि क्या है? ये मूल राशियां, इनको क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। तो मूल राशियां आप जब हो गए तो इनको मापने के लिए कुछ मात्रकों का भी आवश्यकता हुई। जो मात्रक इनसे वो इनके बने उनको हम मूल मात्रक कह दिए, कह सकते हैं। अब इसी में मूल मात्रक की बात हो जाती है, मूल मात्रक, तो कह सकते हैं मूल राशियों के मात्रक को, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। या कह सकते हैं वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र हो, सॉरी, वे भौतिक मात्रक जो पूर्णतया क्या हो? स्वतंत्र हो, मूल मात्रक कहलाते हैं। अब मूल मात्रक जैसे आप हो गए लंबाई का, लंबाई का मात्रक आप हो गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक आप हो गया किलोग्राम, समय का मात्रक आप हो गया सेकंड, ताप का मात्रक आप हो गया केल्विन,
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जो तीव्रता का मात्रक कैंडला, केडला और पदार्थ की मात्रक है मोल। क्या हो जाएगा? मोल हो जाएगा। ये आपका मात्रक था। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया। समय का मात्रक सेकंड हो गया। ताप का मात्रक केल्विन हो गया। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। जो तीव्रता का मात्रक कैंडला हो गया। और पदार्थ की मात्रा क्या हो गया? मोल हो गया। तो ये आपके मात्रक, ये क्या हो गए? मात्रक। इसे कहा गया क्या जी? मूल मात्रक। और ये है क्या चीज है पूरी? ये है आपकी मूल राशि, ये है मूल। तो मूल राशियां के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियां क्या होती है? वह भौतिक राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल राशियां कहलाती है। इसी प्रकार से मात्रक के विकास के वह भौतिक मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। या कह सकते हैं भौतिक राशियों के भौतिक राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक। अब मात्रकों के नापने की पद्धति है। जो ये मात्रक है, इनमें नापने की कुछ पद्धति होती है। तो इसमें इसके मात्रक नापने की पद्धति से पहले आपको एक चीज और बता देते हैं। इसी में कुछ राशियां, इतनी ही राशियों से काम नहीं चला, तो उसमें कुछ राशियां और मिलाई गई, जिन्हें कहा गया क्या जी? कुछ राशियां और बनाई गई जो मूल राशियों की सहायता से बनाई गई। कुछ और राशियां बनाई गई जो मूल राशियों की सहायता से बनाई गई। उन राशियों को कहा गया व्युत्पन्न राशियां। क्या चीज? व्युत्पन्न राशियां। तो अब आप समझ जाएगा व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां जो दूसरी राशियों पर, या कह सकते हैं मूल राशियों पर निर्भर होती है। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर, या कह सकते हैं दूसरी राशियों पर निर्भर होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे चार, चार बराबर आपका होता है दूरी बटे समय। ये जो चाल है, ये कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है। ये दूरी क्या है? ये मूल राशि है। क्या है? मूल राशि है। ये समय क्या है? ये भी तो मूल राशि है। ये दोनों मूल राशियां थे। इन दोनों से मिलने के बाद ये क्या प्राप्त हो गया? चाल प्राप्त हुआ। तो चाल कैसी राशि हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। तो मूल राशियां के मिलने से जो राशि प्राप्त हो रही है, ठीक, उसे कहेंगे क्या जी? व्युत्पन्न राशि कह देते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि साथ जितनी भी व्युत्पन्न राशियां हैं वो खाली मूल राशियों से ही मिलकर बनी है। कुछ ऐसी भी राशियां होती हैं जो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां दोनों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे आपका हो गया घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान क्या है? मूल राशि है। लेकिन आपका ये जो आयतन है, ये आपका व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। ये व्युत्पन्न राशि है। तो घनत्व भी आपका कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। ये भी आपकी व्युत्पन्न राशि है। ठीक। तो इस प्रकार से आपकी ये व्युत्पन्न राशि जो होगी, मूल राशियों की सहायता से प्राप्त राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या वे भौतिक राशियां जो दूसरी राशियों से उत्पन्न या मूल राशियों से उत्पन्न होती है, या मूल राशियों की सहायता से या मूल राशियों के उपयोग से बनाई जा सकती हैं या प्राप्त की जा सकती हैं, वे उत्पन्न राशियां कहलाती हैं। समझ में आई बात ना? ठीक। आगे देखते हैं। अब इन जब राशियां बन गई, जब ये राशियां बन गई, तो इनके कुछ कुछ मात्रक होंगे, इनके कुछ कुछ मात्रक होंगे। तो अब यहां पर मात्रक देख ले, जैसे चाल बराबर आपको होता है दूरी बटे समय। अब चाल का मात्रक अगर हमको ज्ञात करना है, चाल का मात्रक हमको ज्ञात करना है, तो दूरी का मात्रक
बटे समय का मात्रक। अब दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आप हो गया क्या जी, चाल का मात्रक जो हो गया कैसा आ गया, मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो चाल का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो अब ये भी देखा गया जो चाल का मात्रक प्राप्त हो रहा है ये दो मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ है। किसे मिलकर बना है, दो मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार इस मात्रक को भी कहा जा सकता है क्या जी, व्युत्पन्न मात्रक, चाल के मात्रक कह सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कह सकते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक, बल कार्य आयतन क्षेत्रफल, ये सब जो है ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। क्योंकि बल बराबर आपको होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल आपका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये सब जितने हैं सब किसी किसी राशि से मिलकर बन रहे हैं। जैसे ये आपका द्रव्यमान है ये मूल राशि है, त्वरण आपका मूल राशि नहीं है व्युत्पन्न राशि है। तो ये सब आपके दो राशियों से मिलकर बन रहे हैं, दो से तीन से ये सबसे मिलकर बन रहे हैं। इस प्रकार से ये सब राशियां जितनी प्राप्त हो रही हैं, ये जितनी राशि प्राप्त हो रही हैं, ये सब कैसे है व्युत्पन्न राशि है। समझ में आई बात ना, ये सभी व्युत्पन्न राशियां हैं। अब इनके जो मात्रक होंगे, जैसे बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन, कार्य का मात्रक होता है जूल, आयतन का मात्रा होता है घन मीटर, क्षेत्रफल का मात्रा होता है वर्ग मीटर। ये सभी क्या है व्युत्पन्न मात्रक है, ये सभी क्या है व्युत्पन्न मात्रक है। तो हम सीधे सब कह सकते हैं कि मूल राशियों से प्राप्त या मूल राशियों का उपयोग करके प्राप्त की गई राशि को व्युत्पन्न राशि कहते हैं, या कह सकते हैं वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों का उपयोग करके प्राप्त की जाती है मूल राशियां कहलाती है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं या उनका उपयोग करके प्राप्त किया जाता है मूल व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब ये मात्रक जो होते हैं इनके कुछ पद्धतियां होती हैं, क्या होती है कुछ पद्धतियां होती हैं। जैसे आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा इनके बारे में, कुछ पद्धतियों के बारे में, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां में अब इनके जो मात्रक हो गए थे इनको कई रूपों में पद्धतियों में पढ़ा जाने लगा, जिसमें आपका पहला पद्धत है यम के यश पद्धति। कौन सी पद्धत है, यम के यश, यम के यश पद्धति। इसका पूरा नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। क्या है यम के यश पद्धति को हम कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। क्या कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति।
मीटर जो होता है ये जैसे आपका है, यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबाई, ये द्रव्यमान, यहाँ पे समय। एमकेएस पद्धति में लंबाई का मापक क्या हो गया, मीटर हो गया, द्रव्यमान का मापक क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, समय का मापक क्या हो गया, सेकंड हो गया। सीजीएस, सीजीएस पद्धति, इसको कहते हैं सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति। लंबाई का मात्रक सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर हो गया, द्रव्यमान का मात्रक सीजीएस पद्धति में ग्राम हो गया, समय का मात्रक जो सेकंड था सेकंड ही रहा सीजीएस पद्धति में। एक होता है एफ टी एस पद्धति। अब इसमें एफ पी एस पद्धति में इसका होता है फुट पाउंड सेकंड पद्धत, फुट पाउंड सेकंड। एफ पी एस फुट पाउंड सेकंड, यानी कि लंबाई को नापा जाएगा फुट में। जब एफ पी एस पद्धत होगा लंबाई में, जो लंबाई नापते थे वहां किसमें नापा जाएगा, फुट में। जो वजन द्रव्यमान नापते थे वो किसमें नापा जाएगा, पाउंड में। और समय जो नापा जाएगा वो सेकंड में नापा जाएगा। तो इस प्रकार से पद्धति का होगा फुट पाउंड सेकंड पद्धति, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। तो ये आपके अलग अलग तीन पद्धतियां थी। इसमें कुछ पद्धतियां और, यदि हम कहीं पे विद्युत धारा का नाप लेते हैं, विद्युत धारा का नाप लेते हैं, तो उसे कहा जाता है एम के एस ए पद्धति। एम के एस ए पद्धति, एम के एस पद्धति आपको हो जाएगा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर पद्धति। मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर पद्धति, ये हो जाएगा मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर पद्धति। अगर इसी में हमको मान लीजिए ये तो आपका विद्युत धारा था, अगर कहीं पे हमको आवेश दिया गया हो, आवेश सम्मिलित किया गया हो, तो आपको हो जाएगा एम के एस क्यू पद्धति। एम के एस क्यू पद्धति हो जाएगा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलाम पद्धति। क्या हो जाएगा, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलाम पद्धति। ये क्या होता है, एम के एस क्यू पद्धति। तो आपको हो जाएगा मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलाम पद्धति। तो ये आपकी पद्धतियां हैं जिनके में हम मात्रक को पढ़ते थे या पढ़ते चले आए। अब इसमें एक पद्धति आपका है जो आजकल चल रही है, उसे कहा जाता है एसआई पद्धति। तो क्या कहते हैं, एसआई पद्धति। कुछ पद्धति एसआई पद्धति, एसआई पद्धति को कहा जाता है। यह पद्धति आजकल काफी विकसित है, यानी कि कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस समय पद्धति चल रही है, यानी कि माप में इसी का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि मान्य पद्धति है, जिसका अर्थ होता है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। यह आपका है एसआई पद्धति का पूरा नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट होता है, इसे एसआई पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में मुख्यतः सात मूल राशियां होती हैं। जो एसआई पद्धति है इसमें मुख्यतः आपके सात मूल राशियां हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको दो राशियां इसमें और जोड़ दी गई, इसलिए इसमें कुल राशियों की संख्या 9 हो गई। अब दो राशियां उन्हें हम कहते हैं पूरक राशियां।
जो राशियां जोड़ी गई हैं उन राशियों को हम कहते हैं क्या जी, पूरक राशियां। वे होते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। होते हैं क्या जी, रेडियन और स्टेरेडियन। अब रेडियन जो होता है वो होता है समतलीय कोण, समतलीय कोण के मात्रक को रेडियन हम कहते हैं, तथा गोलीय घन या कह सकते हैं घन कोण के मात्रक को, घन कोण के मात्रक को हम स्टेरेडियन कहते हैं। समतलीय कोण के मात्रक को रेडियन और घन कोण के मात्रक को स्टेरेडियन कहा जाता है। तो अब इस एसआई पद्धति में ये सात मूल राशियां, यानी कहने वाले सात मूल राशियां तथा दो पूरक राशियां, ये दोनों मिलकर कुल कितनी हो गई, नौ राशियां हो गई। ये नौ राशियां एसआई सिस्टम में, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल डी यूनिट में कितनी राशियां हो गई, कुल नौ राशियां हो गई। ठीक, अब इसमें इन नौ राशियों में ये तो हो गए, इसमें जो हम नापने अभी देखा कि मीटर लंबाई का नापने का काम क्या अवस्था हो गया, मीटर का हो गया। लंबाई किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं। तो मीटर या एक मीटर या मानक मीटर कहते किसे हैं, मानक मीटर या एक मीटर कहते किसे हैं। मानक मीटर जैसे कहा जाता है एक मीटर भी कह सकते हैं या केवल मीटर कह सकते हैं। ठीक, कुछ भी कह सकते हैं यहां से, मानक मीटर या एक मीटर या केवल मीटर कह सकते हैं। ठीक, तो कहते किसे हैं, से कहा किसे जाता है, कहते किसे हैं। तो मीटर की बात जहां तक है ये दूरी नापने के काम में आता है। अभी आपने देखा लंबाई के लिए, लंबाई का मात्रक मीटर बताया गया, लंबाई क्या है, दूरी ही तो है। हाँ, दूरी क्या चीज होती है, किसी गतिशील बस द्वारा चले गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। किसी गतिशील बस द्वारा चले गए पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो दूरी किससे संबंधित, लंबाई से। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। तो दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। तो अब मीटर है क्या चीज, मीटर होता है मानक मीटर, वह न्यूनतम दूरी है। मानक मीटर वह न्यूनतम दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86, जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, या कह सकते हैं नारंगी रंग के प्रकाश की 1650763.73 तरंगे आती हैं। मानक मीटर वह दूरी है जिसमें शुद्ध क्रिप्टॉन शुद्ध क्रिप्टन छियासी से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग की प्रकाश 1650763.73 तरंगे आती हैं। इसको ऐसे मोबाइल नंबर तरीके से याद करिएगा, लाख में नहीं याद करना है, करोड़ में नहीं याद करना है, क्योंकि आप वैसे याद करेंगे तो भूल जाएंगे। इसको आजकल मोबाइल नंबर तरीके से याद करें, मोबाइल नंबर सबको बहुत जल्दी याद हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको मोबाइल नंबर तरीके से याद करिए, क्या हो जाएगा 1650763.73 तरंगे आती है। तो आपको पता है मानक मीटर, मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित होने वाली नारंगी रंग के प्रकाश के, ठीक, 1650763.73 तरंगे आती है। अब इसमें आपका होता है एक किलोमीटर बराबर, जैसे आपने देखा होगा एक किलोमीटर बराबर कितना होता है,
घात 3 मीटर ना, क्या कह सकते हैं 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इसी प्रकार से आपको कुछ अन्य मात्र लंबाई नापने के या दूरी नापने के मात्रक बता रहे हैं। इसमें है किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर बराबर 10 घात 3 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर 10 घात माइनस 2 मीटर, 10 घात माइनस 2 मीटर, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन जो कक्षा 9 पढ़े हैं, 1 माइक्रोन बराबर 10 घात माइनस कितना, 1 माइक्रोन बराबर 10 घात माइनस कितना, ठीक बहुत बढ़िया, 10 घात माइनस 6 मीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10 घात माइनस 6 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घात माइनस 10 मीटर, और बढ़िया गुड, 1 फर्मी बराबर, 1 फर्मी बराबर 10 घात माइनस कितना, हाँ ठीक बताओ, 10 घात माइनस ठीक 15, 10 घात माइनस 15 मीटर, 1 फर्मी बराबर 10 घात माइनस 15 मीटर, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 घात माइनस 1 मीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 10 घात माइनस कितना 1 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 घात माइनस 3 मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10 घात माइनस 3 मीटर, 1 मिलीमाइक्रोन, 1 मिलीमाइक्रोन 10 घात माइनस कितना -9 मीटर, 10 घात माइनस 9 मीटर, 1 एक्स बराबर, 1 एक्स बराबर 10 घात माइनस 13 मीटर, 10 घात माइनस 13 मीटर। तो यहाँ पे है दूरी नापने के मात्रक है, याद रखिएगा, ये वैसे जानते भी होंगे आप, कक्षा में पढ़े होंगे। इसी में एक दूरी नापने का बहुत बड़ा मात्रक जिसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष, इसे कहते हैं क्या जी, प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष होता क्या चीज है, प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब एक प्रकाश वर्ष बराबर 3×10^8×365×24×60×60 या एक ऐसा लिख लें, अभी आपको समझ में और आ जाएगा, 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड गुणे 10×365×24×60×60 इतना सेकंड। अब है क्या क्या चीजें, ये 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड आप जानते हैं प्रकाश की चाल है, 365 आपका है वर्ष, एक वर्ष में कितने दिन, 365 दिन, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, इन सबको गुणा कर दिया जाए तो आपको गुणा करने के बाद 9.46×10^15 मीटर क्या प्राप्त हो जाएगा, 9.46×10^15 मीटर ये प्राप्त हो जाता है, इतने सबको गुणा करने के बाद ये प्राप्त होता है 9.46×10^15 मीटर। कहने का मतलब एक प्रकाश वर्ष में 9.46×10^15 मीटर होता है, या इसको कह सकते 10^16 मीटर लगभग, या इसे कह सकते 10^13 किलोमीटर, 10^13 किलोमीटर लगभग। तो आपका ये है प्रकाश वर्ष दूरी नापने का। अब आपको इसमें है मानक सेकंड, मानक सेकंड अब हम इसको अगले क्लास में
आपको मानक सेकंड, एम्पियर, केल्विन, रेडियन, स्टी रेडियन, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक आप घर पर कोरोना से बचे रहें, मस्त रहें, खुश रहें, यही आशा करते हैं हम। आप पढ़ाई लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।